अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारा जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हमने ये देखना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किन चीजों पे कंसिस्ट करता है, प्लस उनके फंक्शंस क्या हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये थ्री कंपोनेंट्स पे कंसिस्ट है। नंबर वन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसे हम ओवरी कहते हैं, ओवरी। और ये जो ओवरी है ये पेयर फॉर्म में होती है, दो ओवरीज होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डक्ट्स, डक्ट्स यानी ट्यूब्स, जिन्हें हम फ्लोपियन ट्यूब्स कहते हैं, लाइक फ्लोपियन ट्यूब्स। और उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन केस ऑफ फीमेल इज कॉल्ड वेजाइना। ओके, अब हमने इनको डायग्रामेटिक व्यू में देखना है। डायग्रामेटिक व्यू में तो हम इसकी बेसिक से डायग्राम यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, यूट्रस की डायग्राम। बेसिक सी हमने डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो इसको अब हम लेबल करते हैं, फिर इसके पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। ये हमारे पास यूट्रस की डायग्राम है और यहां पे ये एक पोर्शन होता है जिसे हम ओवरी कहते हैं, टू ओवरी ऑन बोथ साइड्स। ये ओवरीज जो हैं कुछ लिगामेंट्स के साथ, उनकी मदद से, लिगामेंट टिश्यू की मदद से यूट्रस के आर्म्स के साथ, ट्यूब्स के साथ जुड़ी होती हैं। इन लिगामेंट्स को हम मेसेंट्रीज कहते हैं और कुछ यहां पे इनकी वजह से ये जो ओवरी है ये सस्पेंड रहती हैं। सेम हियर, यूट्राइन लिगामेंट्स। अब इसके बाद हम यहां पे स्ट्रक्चर इसको थोड़ा सा लेबल करते हैं। ये जो पार्ट है फिंगर लाइक, इसको हम कहते हैं जी, दीज आर फिम्बरी, दीज आर फिम्बरी। फिम्बरी इसका क्या फंक्शन होता है? दीज आर यूज फॉर एग कैप्चरिंग, ये एग को कैप्चर करती है। जब एग ओवरी से रिलीज होता है तो फिम्बरी उसको कैप्चर करती है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट टिश्यू। और ये जो लिगामेंट्स टिश्यू हैं इनको हम कहते हैं मेसेंट्रीज, मेसेंट्रीज। दीज आर एक्चुअली लिगामेंट्स। अब ये जो ट्यूब लाइक नैरो स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है, उससे पहले यहां पे एक स्वेलन पोर्शन नजर आता है। इस स्वेलन पोर्शन को हम कहते हैं एम्प्यूला, एम्प्यूला। एम्प्यूला क्या होता है? एम्प्यूला इज द साइट वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, सो इट इज द साइट ऑफ
फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, दीज आर फेलोपियन ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब्स एंड दिस पार्ट ऑफ यूट्रस इज लाइक ए बॉडी, दिस इज कॉल्ड बॉडी, दिस इज बॉडी ऑफ यूट्रस, बॉडी ऑफ यूट्रस। और ये जो नेक लाइक नैरो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं सर्विक्स, सर्विक्स पार्ट। एंड नेक्स्ट दिस विल इज वेजाइना, वेजाइना, वेजाइना की जो ओपनिंग होती है यहां पे, ये जो ओपनिंग है इसके ऊपर एक लेयर सी होती है जिसे हम कहते हैं हाइमेन, हाइमेन लेयर। दिस इज एक्चुअली साइन ऑफ वर्जिनिटी, वर्जिनिटी। साइन ऑफ वर्जिनिटी। अब इसके बाद हम यूट्रस को थोड़ा सा लेबल करेंगे। ये जो पोर्शन है इसमें कुछ लेयर्स होती हैं यूट्रस की, तो यहां पे हम साथ डिस्कस करते हैं लेयर्स ऑफ यूट्रस। यूट्रस, यूट्रस की जो लेयर्स हैं, सबसे पहले यहां पे एक लेयर होती है, फर्स्ट लेयर, प्राइमरी लेयर जिसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम, दिस लेयर इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम ऑन बोथ साइड्स, दिस इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम। इस पेरीमेट्रियम के बाद एक लेयर होती है जिसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं, दोनों साइड्स पे होती है, दिस ब्लू विल मायोमेट्रियम। इस मायोमेट्रियम के बाद एक हाईली वैस्क्यूलराइज्ड लेयर होती है, हाईली वैस्क्यूलराइज्ड लेयर इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम, एंडो मैट्रियम। एंडोमेट्रियम इज हाईली वैस्कुलराइज्ड, सेम हियर पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। ये थी हमारे पास यूट्रस की डायग्राम, और ये आपको पोर्शन जो दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, दिस इज ओवरी, बोथ पेयर्ड ओवरी। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये जो ओवरी है हमारे पास, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी, ये एक्चुअली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है प्रोड्यूस ओवम, यानी ये एग को प्रोड्यूस करती है। दिस इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड। ये 8 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होती है और 5 सेंटीमीटर तक वाइड होती है। इसके बाद हमने नेक्स्ट देखना है ये जो यूट्रस है, यूट्रस एक्चुअली इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेयर इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स
इस चीज को प्रेफर कर देते हैं कि शायद फर्टिलाइजेशन जो होती है वो फ्लोपियन ट्यूब के अंदर होती है। फ्लोपियन ट्यूब का जो स्वेलिंग पोर्शन होता है यहां पर, इसे हम एम्प्यूला कहते हैं। दिस एम्प्यूला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ यूट्राइन लेयर्स के बारे में हमने बात की कि ये थ्री लेयर्स पे कंसिस्ट होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड लेबलिंग पार्ट। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको आपने डायग्रामेटिकली ड्रॉ करना है, प्लस उसके जो लेबलिंग पार्ट है उनको एक्सप्लेन करना है। तो यहां तक हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ओजेनेसिस, यानी ओवरी के अंदर जो एग प्रोड्यूस होता है वो कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है, एग फॉर्मेशन को हम देखते हैं ओजेनेसिस। अल्लाह हाफिज़।